सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो यार। तो स्वागत है आपका अपने और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, क्योंकि आप लोग जो है ना रेगुलर बेसिस पे जो है ना देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट यार, कितने ज्यादा इसके जो है ना लीक्स सामने आ रहे हैं यार। मैं तो सच में बोल रहा हूँ, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग एसयूवी है ना यार ये। अभी जो टाटा ने जो है ना यार इतना बेहतरीन काम किया है ना फेसलिफ्ट यार, फेसलिफ्ट किस एंगल से आप लोगों को फेसलिफ्ट लग रही है ये मुझे जरूर से जरूर बताओ यार। आप लोग देखो यार एक बार, आप लोग यार कितने ज्यादा इसके लीक्स निकल के आ रहे हैं, इंटीरियर इसके यार लीक निकल के आ रहे हैं, इसके एक्सटीरियर जो है ना इसके लीक्स निकल के आ रहे हैं। मतलब यार पूरी की पूरी गाड़ी तो दिखाई दी है, अब क्या दिखाना बाकी रह गया भाई। और सच में बता रहा हूँ भाई, दिल खुश हो गया भाई इस एसयूवी को देख के ना यार। नेक्सॉन जो है पहले ही बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा जो है ना यार, मतलब पसंद की जाने वाली एसयूवी रह चुकी है। और इसका जो बेंचमार्क है ना भाई, वो पहले से ही काफी ज्यादा सेट हो चुका है यार। और अब जो ये फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है ना भाई, इसने तो हद ही कर दी है यार। टाटा यार आपने फेसलिफ्ट निकाला है या फिर नेक्स्ट जनरेशन निकाला है यार, नेक्स्ट जनरेशन से कम नहीं लग रही है यार। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे यार इसको, यार सच में बता रहा हूँ, मैं तो एक बार जब इसको देख लिया ना यार, मैंने जब सब देखा ना मैंने यार, जो ये आप क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये मैंने प्रतीक भाई के चैनल से लिया है, यूट्यूब चैनल जानते हैं आप, वो वीडियोज डालते हैं तो उनके चैनल से ही जो है ना मैं ये देखा। तो यार भाई मतलब फेस क्लिप तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है यार भाई, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग गाड़ी बना दी है यार टाटा ने। नेक्सॉन देखो यार, नेक्सॉन जो आपको जो रेगुलर दिखती थी यार, उससे इतनी ज्यादा एडवांस भाई, बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं यार। यहाँ देखो यार आप लोग, इसके जो है ना इंटीरियर भी आ चुके हैं, इसके एक्सटीरियर भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे अभी आता है, देखिए सबसे पहले तो अगर इसके बाहर से अगर बात करेंगे ना यार, तो लुक आप लोग जो है ना चेक कर रहे होंगे कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको ना इसकी लुक लग रही होगी। इसका जो रोड प्रेजेंस है ना, पहाड़ों पे टेस्टिंग की जा रही है इसकी, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है यार चलते हुए। और ये पहाड़ों पे ही जो है ना इसको टेस्ट किया जा रहा है यार, आप देख सकते हैं आप लोग इसकी रोड प्रेजेंस, ना कैमोफ्लेज है ना कुछ है, पूरी की पूरी गाड़ी आप लोगों के सामने है यार। देखिए व्हाइट और ब्लैक के थीम में भी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, स्पेशली इसके जो टेल लाइट्स है ना यार, वो कनेक्टेड है यार, देखिए बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है। और क्या चाहिए आप लोगों को यार, इसके जो बम्पर है नीचे लोअर बम्पर, देखिए आप लोग कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। ये ब्लैक एंड व्हाइट के थीम में भी ज्यादा अच्छी लग रही है, और जो ब्लूइश टाइप का जो कलर दिया ना, इसको तो बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है यार इस कलर को। तो सच में बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली ये कलर जो है ना डिफरेंट सा कलर दिया यार कुछ। और जो टेल लाइट्स है ना भाई इसके, भाई एलईडी जी लाइट्स आप लोग को इसे मिलने वाली है, जो पूरी की पूरी कनेक्टेड आपको दिख रही है यार। जो फील आना चाहिए था ना, वो फील आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार देखने में भी। और ये देखिए आप लोग यार, सच में बता रहा हूँ मैं, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग गाड़ी है यार ये। इसके जो लोअर बम्पर में भी आप लोग देख रहे होंगे, इसके जो आप लोग इस रिफ्लेक्टर टाइप के ना, वो भी सारे चेंज कर दिए गए हुए। और देखिए ये जो लीक्स आ चुके हैं ना यार, सामने आपकी गाड़ी है, इसका फ्रंट फेशिया भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, दो बंदे खड़े हुए हैं साथ में, तो ये कुछ भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है ना ऑसम लग रही है। और बैक प्रोफाइल देखिए, इसका लाइट जलते हुए, इसकी जो है ना स्टॉप लैंप भी जलते हुए आप लोग को दिखाई दे रही होगी, इसकी रोड प्रेजेंट जो है, गाड़ी चल रही है और कोई बंदा इस वीडियो को जो है ना शूट कर रहा है, और पहाड़ों पर ही जो है ना इसकी टेस्टिंग हो रही है यार, काफी ज्यादा जिसको बोलते हैं ना हॉट भाई, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है यार ये गाड़ी। देखिए आप लोग कितनी ज्यादा मस्त इसकी जो है ना रोड प्रेजेंस आ रही है यार, सच में बता रहा हूँ दिल खुश हो गया यार इस वीडियो को देख के। तो सच में बता रहा हूँ, अब जो है ना 14 सितंबर को जो है ना ये आने वाली है, और इसका जो एलॉय व्हील है ना यार, ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का आप लोग को मिलने वाला है यार। ऐसा लग रहा है यार किसी हद तक जो है ना ये ईवी भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग हल्के से इसको देखेंगे ना, एक बार ढंग से देखिए आप लोग, जब ये स्लो में आ जाता है ना वीडियो, तो वहां पे जो है ना इसके एलॉय व्हील जो है ना यार, ये लगते कि शायद ये हो सकते हैं, देखिए ये लग रहे हैं आपको पूरे के पूरे जो ईवी वाला वर्जन, ईवी में ऐसे आते हैं। बाकी अब जो भी होगा, जब ये आ जाएगी यार अच्छे से, जब ये लॉन्च हो जाएगी ना 14 सितंबर को, इसका बहुत ही ज्यादा दासू जो है ना यार, ये पूरी की पूरी लॉन्च हो जाएगी। और देखिए यार सच में बता रहा हूँ, इसका फ्रंट लुक देखिए, टाटा कर्व से पूरी की पूरी इंस्पायर्ड है भाई ये गाड़ी यार, पूरी की पूरी इंस्पायर्ड है। देखिए आप लोग यार, चलो टाटा कर्व तो बहुत ही ज्यादा एक बड़ी एसयूवी के सेगमेंट में आती है, पर यार नेक्सॉन भी कहीं भी कम नहीं है यार। नेक्सॉन को देख सकते हैं आप लोग कितनी ज्यादा बेहतरीन लग रही है यार। फ्रंट देखिए, DRL कनेक्टेड है, नीचे इसके हेडलाइट्स कनेक्टेड है, और सबसे अच्छी बात है इसको, इसमें आप लोगों को जो कि ना काफी सारे फीचर्स इसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं यार, सच बता रहा हूँ। अगर फीचर की लिस्ट भी देखेंगे ना हम लोग को, तो 4-5 जो फीचर्स है ना, वो तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें जो है ना आप लोगों को 6 एयरबैग मिलेगा, 10.25 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है यार इसके अंदर आप लोगों को, और 360 डिग्री कैमरा तक भी आप लोगों को इसके अंदर जो है ना ऑफर किया जाएगा, और साथ में वायरलेस चार्जर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे भी आप लोगों को इसमें ऑफर कर दिए जाएंगे। बाकी प्राइसेस वगैरह जो है ना सब कुछ उसी टाइम पे ही आएगा जो भी आएगा। बाकी लुक देखिए यार आप लोग, गाड़ी भी यार आपके सामने पूरी की पूरी क्लिप है यार, आप लोग उस क्लिप को अच्छे से देखिए कितनी ज्यादा बेहतरीन लग रही है इसकी रोड प्रेजेंस।
अब जो इसके बाद आ जाता है ना, एक्सटीरियर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, अब इंटीरियर की बात आ जाती है, जहां पे मेन मसाला आप लोगों को जो है ना इसके इंटीरियर में ही है यार। सच बता रहा हूँ, इसका जो इंटीरियर है ना यार, इतना ज्यादा मस्त आप लोगों को मिलने वाला है ना कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। अभी मैं क्लिप ढूंढता हूँ, तो ये देखिए 360 डिग्री कैमरा है। कोई आदमी है ना वो आप गाड़ी के अंदर से बना रहा है, अब ये कौन है, ये कोई टाटा का ही कोई गाड़ी ड्राइवर कोई भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो नाइट विजन आप लोग को दिखा रहा है, ये सब कुछ जो है ना आप लोग को इसके अंदर मिलने वाला है यार, सच में बता रहा। और ये वाला जो क्लिप है ना, ये भी प्रतीक सिंह के चैनल से ही लिया गया है यार, ये सब कुछ जो है ना वहीं से लिया। बस आप जो है ना इस क्लिप पे ध्यान दो यार, फ्रंट लुक देखिए इसका कितना ज्यादा मस्त लग रहा है यार। ये आप लोगों ने अभी पहले भी देखा था, बाकी फीचर्स तो आप लोगों को बता ही दिए, प्राइस वगैरह भी जो है ना 14 सितंबर को हो सकता है जब भी आ जाए, पर आएंगे जरूर यार। अभी देखिए आप लोग कितना ज्यादा जो है ना इसका मस्त लग रहा है यार इंटीरियर। और स्पेशली अब जो इसका बात करते हैं हम लोग इसके इंटीरियर में अगर जाएंगे ना, तो इंटीरियर ये देखिए, ये वाला जो आप लोग को यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए इसके हेडलाइट्स के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं। इंटीरियर देखिए 10.25 इंच का आप लोग को डिस्प्ले भी सामने दिखाई दे रहा है, बटन्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल फिजिकल नहीं होने वाले, टच होने वाला है। और टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आप लोग जो है ना स्टेयरिंग व्हील पे देख सकते हैं यार, कितनी ज्यादा बेहतरीन है। और सेंटर कंसोल देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल चेंज है भाई सेंटर कंसोल भी। और आगे आप लोग देखिए TFT डिस्प्ले भी आप लोग को इसके अंदर ऑफर किया गया है, काफी ज्यादा सही लग रहा है। और स्टीयरिंग यार सच में बता रहा हूँ, जो टॉप नॉच की जो महंगी से महंगी गाड़ियाँ आती है ना यार, वो वाले जो है ना इसमें आप लोगों को ऑफर किए गए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं गियर नॉब भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। ड्राइव मोड्स के आप लोग वहाँ पे सेंटर कंसोल में सब कुछ देख रहे होंगे, बटन्स आप लोग देख रहे होंगे, सब कुछ यहाँ आप लोग के सामने। बाकी हेडलाइट बीम का थ्रो भी आप लोग देख सकते हैं, व्हाइट लाइट आप लोग को इसके अंदर मिलने वाली है। वैसे भी टाटा नेक्सॉन में जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते थे, और पर इसमें आपको येलो लाइट मिलती थी हेलोजन के साथ, बट अभी आप लोगों को जो है ना इसके अंदर जो है आप लोगों को LEDs ऑफर किए जाएंगे। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी बात होने वाली है यार इसके अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 360 डिग्री कैमरा आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सही लग रहा है यार इसके अंदर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर से जरूर बता देना। बाकी देखिए अब जो है ना नाइट में आप लोगों को दूसरे गाड़ी से छूट हो रहा है, तो ये देखिए जलते हुए कितना ज़्यादा सही लग रहा है यार लाइट। देखिए यार रात की रानी जिसको बोलते हैं ना, असली रात की रानी तो आप लोगों को यही टाटा नेक्सॉन लगने वाली है। पहले ये जो हैशटैग नंबर 1 पे आती थी, और अब जो है ना ये इससे भी ज़्यादा सेल हो जाएगी यार, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशी। बाकी अब आप लोग बताइए आप लोग को कैसी लग रही है, मैं तो कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यार। अगर इतना पैसा अपने पास होता तो इस टाइम पे मैं इस गाड़ी को ज़रूर से ज़रूर बुक करता। बाकी देखिए फर्स्ट इन सेगमेंट में आप लोग को जो है ना इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ आने वाला है भाई। अब जो है ना भाई यही था इसकी वीडियो में, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बता देना, कमेंट कर देना आप लोगों को पसंद आया नहीं आया। कई कई लोगों को नहीं भी आती है, अब उनके बारे में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी यार गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हॉट डील है भाई, बहुत ही ज़्यादा हॉट डील पे चलेगी, मैं सबसे बता रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को कर देना एक लाइक, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहती है यार ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड। बाकी कर देना यार लाइक इस वीडियो को, नेक्सॉन के लिए तो आप लोग कर ही देंगे। बाकी 14 सितंबर का हम वेट करेंगे जब ये गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी यार भाई, तहलका मचने वाला है, तहलका सच में बता रहा हूँ भाई, ये नेक्सॉन तो तहलका मचा देगी। फेसलिफ्ट कम और नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन ये लग रही है हद से ज़्यादा। आप लोग को आप लोग का क्या कहना है कि सारे जरूर बता देना मुझे। तो चलता हूँ, फिर मैं मिलूंगा ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियोज पे। आप लोग रखना अपना ध्यान और आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद।